और आप पीछे आना तो करता पूरा भीड़ हम बना रहे हैं, वोटरों को जागरूक हम कर रहे हैं और वोट का गिनती वो करेंगे। 80 विधायक हम लोगों ने लाया था और यही मुख्यमंत्री बोले थे ये सेविका के वोट आज हमको गठबंधन बना के मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन 3 साल बीत गए, हम अभी बैठे हैं धरना पर, तक उनका IAS अफसर हम लोगों को धमकी दे रहा है, मानसिक प्रताड़ित करता है। पटना ग्रामीण में मेरी बहन बैठी थी, उनको ये कुमार रवि पटना के DM है, उनको मानसिक प्रताड़ित जेल में डालो, FIR करो, इस पर दीपियों को पूर्ण दबाव दिए हुए था। जब हम जाकर के बोले हैं कि हम भी जा रहे हैं अपना तेज प्रताप भाई के यहाँ फरियाद लेकर, तब डरे, FIR नहीं हुआ। इस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया गया। हम बोले अब बिहार में कोई सोया हुआ नहीं है, अब हम बिहार की महिला निकल गए हैं तेजस्वी और तेज प्रताप को कुर्सी दिलाने के लिए, इसलिए कहीं नहीं डरा सकते। और मेरा भाई जनता दरबार लगाता है, हम जाएंगे अपनी फरियाद लेकर, FIR करके देखो, हम भी तुम्हारे थाना में आग लगा देंगे। इतना हम बिहार में बहन है, ये थाना में आग लगा देंगे, नहीं तो तुम देखो खाली, तुमको भी हम चैलेंज देने आए कि FIR करके बताओ।